हिमाचल प्रदेश पेंशनर एसोसिएशन की त्रैमासिक बैठक शिमला के कालीबाड़ी हॉल में सोमवार को आयोजित की गई। बैठक में प्रदेश भर के पेंशनर मौजूद रहे। इसमें पेंशनरों के मांगों पर विचार कर सरकार के समक्ष रखने का प्रस्ताव रखा गया और सरकार से जल्द JCC बैठक बुलाने की मांग उठाई गई। हिमाचल प्रदेश पेंशनर एसोसिएशन के अध्यक्ष आत्माराम ने बताया कि पेंशनरों की काफ़ी मांगें लंबित हैं। पेंशनरों का एरियर और ग्रेच्युटी का भुगतान जल्द किया जाए। पेंशनरों के चिकित्सा बिल भी लंबित पड़े हैं। सरकार की ओर से इन बिलों का भुगतान नहीं किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश पेंशनर एसोसिएशन के अध्यक्ष आत्माराम क्या बोले, सुनिए विस्तार से। उसके लिए हम ट्रेड यूनियन से जुड़े हुए हैं और पूरे प्रदेश के पूरे सारे पेंशनर हैं। उसके हम वो सोचेंगे, कोर्ट तो बाद की बात है, उससे पहले हमारी सरकार अगर हमारी ये बात नहीं मानती, पूरे प्रदेश में हमने जैसे पहले भी किया था, हम धरना प्रदर्शन कर सकते हैं और सरकार के से बात करेंगे। कोर्ट का तो लास्ट रिजॉल्ट रहता है, वो तो जाएंगे, पर उससे पहले हमें उम्मीद पूरी है कि सरकार JCC के लिए हमें बुलाएगी और हमारे से बैठक करेगी और जो हमारे जो डिमांड्स है उनका निवारण करेगी। नहीं तो ट्रेड यूनियन में जो जो भी हमारे जो रहता है ड्यू रहता है, जो जो भी हमारी व्यवस्था होती है, पहले सरकार से बात करो, उसके बाद सड़कों में आओ। कोर्ट तो लास्ट रिजॉल्ट है, तो वो भी हम सोच सकते हैं, पर वो पहले हमारा प्लेटफॉर्म नहीं है। हम सरकार से बातचीत करेंगे और धरना प्रदर्शन देने करने में भी हम नहीं हिचकिचाएंगे। सरकार को हमने डिमांड चार्टर भेजा है और सरकार ने ऐसा है कि जो पिछली नोटिफिकेशन की है उसमें खास करके वो पेंशनर जो हमारे 70-75 साल से ऊपर है उनको 1.5-2 लाख मिला भी है। जो पिछली नोटिफिकेशन ही हुई तभी तो बोला उससे बेनिफिट हुआ, पर ये जो ड्यू था हमारे को ये पिछली गवर्नमेंट से लेकर था। होना तो ये चीज था जो हमारी पिछली गवर्नमेंट थी वो अगर 2-3 किस्तों में भी दे देती तो आज ये नौबत नहीं आते। हिमाचल से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए EWN 24 न्यूज, चॉइस ऑफ हिमाचल के साथ।